दो लोग आ रहे हैं। जय बोलेगी, जय बोलेगी, ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार जब पुलिस है वो काफी सख्त है, तो शायद उस तरह का जाम ना लगे जैसे पिछली बार लगा था। पिछले बार हम डाकघर वालों के साथ ही फंसे थे। देख रहे हैं जल लेके आ रहे हैं। जय बोलेगी। देख रहे हैं ये सारे क्या है, डाकघर वाले हैं। ये वाली जाम है वो बता रहे हैं लोग, ये पूरा हरिद्वार जाके 35 किलोमीटर का लंबा जाम है ये। अभी का जाम है, लंबा जाम है अभी। यहाँ पे लोग बता रहे हैं और दिख भी रहा है अभी भी, देख रहे हैं गाड़ी टच से मस्त नहीं हो रहा, इतनी भयंकर वाली जाम है। और सारे क्या है, डाकड़ वाले, दुल्हन जा रही है। देख रहे कितनी धीरे धीरे से गाड़ी चल रही है, ये तो थोड़ा तेजी है। इसके सुबह जो हमने अभी जाम में फंसा था वो तो बिल्कुल टच से मच नहीं हो रहा था, बड़ा मुश्किल से हमने भी रॉन्ग साइड लिया। बाइक के तो रॉन्ग साइड चले जा आ सकते हैं, जैसे कि लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं ऐसे रॉन्ग साइड हमें भी। देख रहे गाड़ियाँ रॉन्ग साइड में आ रही, मतलब आगे अच्छी खासी जाम लगा हुआ है, क्योंकि जब जाम होता है तभी इधर उधर करके ला लेते हैं गाड़ी। बाइक में यही फायदा होता है। आज जनता कम है क्योंकि अब डीजे का आवड़ा बहुत कम है, जैसे एक डीजे का आवड़ा आ रहा है और जनता देख रहे हैं आज कम, बहुत कम जनता। लो भाई, तो हम आज जगह फिर से रात्रिकालीन दर्शन कराने के लिए, आज आपको जनता नहीं दिखाई दे रहा होगा, बहुत कम जनता दिखाई देगा और डीजे कावड़ा एक दो आपको छोटे मोटे दिखाई देंगे, बड़े था ये नहीं। बस आपको जो दिखाई देंगे वो ये है, ये गाड़ी डाकघर वालों की है, क्योंकि उधर अलाउ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे गाड़ी सारे खड़े कर दिए हैं। दिख रहे हैं सारे डाकघर वाले हैं। अभी जो जाम है वो चल रहा है, जाम अभी भी। देख रहे गाड़ियाँ उस तरफ जा रही है, ये आ रही है गाड़ी, सुंदर सा कावड़ आ रहा है, ऐसे एक एक दो आएगा बड़ा कावड़। और दिन का भी दृश्य हमने दिखाया है आपको। देख रहे इसके पीछे कहाँ करवा, जय बोलेगी। देख रहे ऑटो में डाकड़ वाले UP 11 सारे आपको मार के हमें डाक कावड़ वाले नजर आएंगे, झूला कावड़ वाले आप नहीं नजर आएंगे, बहुत कम नजर आएंगे, जो नजदीक वाले वही नजर आएंगे, बाकी आप ऐसे ही। डाक कावड़ वाले आप काफी आराम चल रहे हैं, सिकरी के हैं डाक कावड़ वाले, इन्हीं का जो गाड़ी है वो इन्हीं का है, जो ट्रक खड़ा हुआ है जो सारा इस जगह है, इनके पास बाइक भी होता है और ट्रक भी होता है, खाने पीने बनाने के साथ सामान उसी में रखते हैं। रोड में केवल आपको अभी ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा। देख रहे हैं इधर काफी सारे दुकान सजे थे, वो सारे दुकान हट चुके हैं अब। देख रहे हैं एनर्जी वाले बोले, देख रहे हैं अभी अधिकतर जो दृश्य देखने को मिलेगा। अभी जो जाम होगी वो कल वाली जाम, कब परसों वाली जाम, वो अच्छी खासी जाम होगी। वो वाली जाम पे आपको दिक्कत इस बात का होगा कि बिल्कुल ऐसा जाम होगा कि आप बिल्कुल टच से मच नहीं हो पाएंगे। आज हम फंसे थे सुबह सुबह जाम में, हल्के कुछ देर का जाम था लेकिन हालत ख़राब हो गया था। देख रहे हैं टीटी सुपर फास्ट डाक कावड़, ऐसे ही डाक कावड़ वाले अभी आपको मिलेंगे।
साइकिल से भी चल लेके जाते हैं भोले जगड़े। इधर पूरी आपको खड़े होने जा रहे होंगे सारे गाड़ियां काकड़ वालों का है, क्योंकि उधर एंट्री नहीं है। भादराबाद जो टोल प्लाजा है उसमें एंट्री नहीं है, चाहे वो विशाल विशाल कावड़ वाले का हो, क्योंकि विशाल कावड़ वाले का पहले उन्होंने सारे को हटा दिया वहां से। अब जो है ये आपको नॉर्मल जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पे सोए हुए हैं, लेकिन ये ऐसा जगह नहीं सोना चाहिए, इस तरफ सोना चाहिए किनारे पे, जो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिना साइलेंसर वाली गाड़ी हुई आपको देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप ऐसे ही बोले, रात भर अभी चलेंगे और कुछ बोले जैसे थक जाएंगे वैसे आराम करेंगे, और फिर दिन में चलना मुश्किल है क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं जो हरिद्वार में है, जो मौसम है हरिद्वार रुड़की या फिर आगे मुजफ्फरनगर मेरठ की ओर गए, वो काफी जलने वाली धूप है। आज तो धूप था बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला था, हालत खराब थी धूप को लेके, तो दिन में चलना मुश्किल है, दिन में कम और रात को यहाँ चलते बोले देख रहे हैं। अब आपको धीरे धीरे जो नॉर्मल कावड़ वाले हैं वो कम होते नजर आएंगे, अब आपको केवल और केवल बिना साइलेंसर वाले बाइक यानी डाक कावड़ वाले नजर आएंगे, जो सिस्टम है ये सब भिजा देते हैं। देख रहे हैं हरियाणा वाले भाई, ये सारे गाड़ियाँ हरियाणा वाले। तो डाकड़ वाले होते हैं वो काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल हिला डालते हैं, पूरा सिस्टम हिल जाता है, इस तरह का दृश्य होता है। अभी आप देखेंगे कल परसों का दृश्य हम दिखाएंगे हाईवे का, तो आपका पूरा देख रहे हैं जल लेके आ रहे हैं और गले पे जल रखे हैं, सबके अपनी अपनी अलग अलग जल लेने की तरीका होता है। बाकी यात्रा काफी अच्छे चल रहा है, इस बार कोई दिक्कत नहीं है, और नॉर्मल श्रद्धालु की संख्या भी आज हर की पैड़ी में आपने देखा काफी ज्यादा भीड़ था, हर की पैड़ी में पैर रखने की जगह नहीं था, और कल और परसों और भी ज्यादा भीड़ हो रुड़की बाईपास देख रहे हैं बोले आ रहे हैं बड़ा खबर। ऐसे आपको ये सारे डॉक्टर वालों की सिस्टम है, खाने पीने सब रखते हैं उसमें, और जैसे ये भी सिस्टम जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तो चलते हैं, आप लोग इंतजार कर रहे हैं डीजे कावड़ का, लेकिन लगता नहीं कि आज डीजे कावड़ आएगा क्योंकि तो सारे डीजे कावड़ जा चुके हैं। अब छोटे बड़े कार दो आ गए, जैसे कि एक डीजे कावड़ आया था आपने देखा, जैसे आप आराम कर रहा है। लो भाई, तो आ चुका एक विशाल डीजे कावड़ काफी इंतजार के बाद, और इसके बाद जो लंबा जाम लगा है वो कई किलोमीटर का लगा हुआ है, देखेंगे मैं जो मिलता हूँ। देख रहे हैं जाम, देख रहे हैं आप, काफी लंबा जाम लगा हुआ है, इसी कारण जो बाइक वाले रॉन्ग साइड आते हुए नजर आ रहे हैं। तभी तो हम बोल रहे थे कि लोग रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हैं। एक है विशाल डीजे कावड़, विशाल डीजे कावड़ जाने के बाद जो भीड़ है जाम है वो आप देख रहे हैं किस तरह से, इसमें कई लोग फंसे हुए हैं, पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं जाम की लगाने के लिए, पूरी लंबी जाम घंटों की लगी हुई है। देख रहे हैं यही होता है, एक डीजे विशाल अगर जाता है तो घंटों की लंबी जाम लग जाती है, और ऐसे में जब डाकघर वाले आ जाएंगे जहाँ जहाँ छोटे छोटे जगह दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ गाड़ी घुसा देंगे, तो जो गाड़ी हिल नहीं पाएंगी ना, और गर्मी जो लगेगा वो हालत खराब करने वाली होती है।
देख रहे पूरी अच्छी खासी जाम लगी है, अरे घंटों की जाम है, जूम करता हूँ, देख रहे लंबी जाम है। इसी कारण जो हम आपको पहले दिखा रहे थे, जो लोग रॉन्ग साइड आ रहे थे बाइक वाले, वो इसी कारण आ रहे थे। देख रहे अच्छी खासी लाम लंबा जाम है और जाम लगते हैं पुलिस वाले आ गए इस बार, जाम लगते हैं पुलिस वाले आ गए इस बार, पुलिस वाले काफी सख्ती है। पुलिस वालों का काफी देख रहे हैं अभी जो जाम लगी है, रात को जाम लगी है, आप सोच सकते हैं काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं रात को जाम लगता है कि नहीं, तो आप देख रहे हैं जाम भाई आपके सामने, ये जाम पूरा हरिद्वार तक है, यहाँ से हरिद्वार 35 किलोमीटर है और 35 किलोमीटर की दूरी है और सफर करने में आप इस तरह की जाम में समझ सकते हैं पुलिस वालों की सख्ती के बाद इस तरह का है। और ये सारे डाकड़ वाले भाई, दिन में बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली है कल और परसों। बाकी अभी आपको इमरजेंसी ना हो कल परसों में, यानी 2 तारीख तक तो आप ना आए, नहीं तो अच्छी कहीं जामे फंसेंगे। बसेज बिल्कुल बंद है, दिल्ली वाले बसेस, हरिद्वार रुड़की वाले बसेस पूरी बंद है, ये वाली मार्ग से बिल्कुल।